नमस्ते दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरे यूनिवर्स में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो यह नहीं चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, दिखने में वह बहुत ज्यादा सुंदर लगे, उसकी अट्रैक्शन पावर इतनी ज्यादा हो कि जो भी उसे एक बार देखे वह इंसान बस उसे देखता ही रह जाए, उसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिले, जिस इंसान को वह बहुत प्यार करता है वह इंसान भी उसे प्यार करे। दोस्तों, पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमारे चाहने भर से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही पॉसिबल होता फिर तो हमारी लाइफ बहुत हैप्पी होती, हम में से कोई भी दुखी नहीं होता ना। पर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी चमत्कारिक टेक्निक लेकर आई हूं जिस टेक्निक को करना एकदम इजी है। इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। इस टेक्निक की सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। हमारे बहुत से ग्रंथों में भी इस टेक्निक का उल्लेख किया गया है, इसलिए इस टेक्निक को पूरे फेथ के साथ करने पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। यह टेक्निक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करती है जिनका उनके पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, या उनके बॉयफ्रेंड ने या उनकी गर्लफ्रेंड ने बिना किसी खास वजह के ही उनसे ब्रेकअप कर लिया है। यह टेक्निक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करती है जिनको किसी से बहुत प्यार हो गया है, पर वह ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला इंसान खुद चलाकर उनके पास आए, सामने वाला इंसान चलाकर उन्हें पहले प्रपोज करे, या फिर सामने वाला इंसान चलाकर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखें। पर यह टेक्निक आप लोगों को करनी कैसे है, या वह कौन सी भूल है जो इस टेक्निक को करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है, सब कुछ एकदम अच्छे से समझा दूंगी, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर कर दूंगी। पर उससे पहले आप लोगों के लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह टेक्निक इतनी ज्यादा मैजिकल क्यों है, यह कैसे काम करती है, क्योंकि जब तक आप लोग यह नहीं समझेंगे तब तक आप लोग विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए जब तक आप लोगों को किसी टेक्निक पर विश्वास ही नहीं होगा तब तक वह टेक्निक आपके लिए काम कैसे करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दोस्तों, ऐसा होता है कोई भी चीज आपके पास सिर्फ तब आती है जब वह चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, फिर चाहे वह किसी का प्यार हो, पैसे हो या फिर कुछ भी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने माना कि आपको किसी से बहुत प्यार हो गया है, मैंने यह भी माना कि आपको प्यार में धोखा मिला है, पर क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि आपको उनसे ही प्यार क्यों हुआ, या फिर उन्होंने आपको प्यार के नाम पर धोखा क्यों दिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपने उनको पहली बार देखा था या उन्होंने आपको पहली बार देखा था, उस वक्त उस इंसान में कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थे, या फिर आप में ऐसी कोई ना कोई बात तो रही होगी जिस वजह से वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, उनको आपसे इतना प्यार हो गया था या फिर आपको उनसे प्यार हो गया था, क्योंकि बिना अट्रैक्शन के प्यार हो ही नहीं सकता है, प्यार की शुरुआत ही अट्रैक्शन से होती है। पर मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अट्रैक्शन ही प्यार होता है, पर यह भी सच है कि बिना अट्रैक्शन के किसी को भी किसी से भी प्यार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन ही इस ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि रुपए, पैसे, सुंदरता या फिर कुछ भी, तो बहुत बार होता क्या है, तो बहुत बार यह भी होता है कि आपकी अट्रैक्शन की पावर एकदम अचानक से एकदम कम हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तो सामने वाला वह इंसान जो आपको पहले बहुत प्यार करता था, वह इंसान एकदम अचानक से आपसे दूर भागने लगता है। वह इंसान खुद चाहकर ऐसा नहीं करता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान को आपके साथ रहने पर या आपसे बात करने पर पहले जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ऐसे में वह इंसान धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगता है या फिर आपसे ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, फिर भी कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर देना, मैं श्योर से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी सिर्फ आपकी कम हुई है, सामने वाले इंसान की नहीं, इसलिए आप तो अभी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट है, इसलिए आप तो उनको अभी भी प्यार करते हैं। पर क्योंकि आपकी अट्रैक्शन की पावर एकदम कम हो गई है, इसलिए उनकी नजरों में आपकी पहले वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए अब वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में आप कुछ भी कहे कि उसने आपको प्यार में धोखा दिया है, या वह आपसे पहले की तरह बात नहीं करते हैं, या आपसे शादी नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी,
पर सामने वाले इंसान की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वह खुद चाहकर तो ऐसा कर नहीं रहा है, यह सब तो अपने आप हो रहा है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी मनचाहे इंसान के दिल में खुद के लिए प्यार जगाना चाहते हैं, या फिर अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे भी हो आपको अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ानी ही होगी। या चाहो तो आप अपनी अट्रैक्शन पावर के लेवल को मुझसे या किसी भी अच्छे जानकार से चेक भी करवा सकते हैं। ऐसा होने पर सब कुछ 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपकी अट्रैक्शन की पावर कम है या नहीं है, या फिर अट्रैक्शन की पावर कम है तो कितनी कम है। तो चलिए अब मैं आपको वह टेक्निक बताती हूँ जिसको करने पर एकदम अचानक से एकदम जादुई तरीके से आपकी अट्रैक्शन की पावर बढ़ने लगेगी। इस टेक्निक को करने के लिए आपको ऐसे कपड़े पहनने होंगे कि आप अपनी नाभि को एकदम आराम से टच कर सके या अपनी नाभि पर कुछ लगा सके, क्योंकि नाभि ही हमारे शरीर का वह हिस्सा है जिसका कनेक्शन हमारे शरीर के हर एक हिस्से से होता है। हमारे ग्रंथों में भी इसका विशेष उल्लेख किया गया है। हमारी रचना भी नाभि के माध्यम से ही हुई है। इस टेक्निक को करने का कोई भी समय फिक्स नहीं होता है, इसलिए जब चाहे तब आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए एकदम थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी में एकदम थोड़ा सा पानी मिला लेना है। हल्दी में पानी को मिलाकर एक पेस्ट टाइप का बना लेना है। इसके बाद आपको अपनी अनामिका अंगुली से यानी अपनी रिंग फिंगर से उस हल्दी वाले लेप की एक बिंदी अपनी नाभि पर लगा लेनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एकदम थोड़ी सी हल्दी को अपनी नाभि पर लगाना है। हल्दी लगाते समय पूरे फेथ के साथ मन ही मन में आपको वह बोलना है जो आप चाहते हैं या जो भी आपकी विश है। रुको, अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी है, इसलिए पूरा सुन लेना, क्योंकि अभी आपको यह भी तो बताना है कि वह कौन सी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम पूरे 21 दिन करना है। बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्सियस माइंड पूरी तरह से रिप्रोग्राम होने लगेगा। इसके साथ ही विस्पति ग्रह की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। यह तो आपको भी पता होगा कि विस्पति ग्रह के प्रसन्न होने पर जो भी आप चाहते हैं वह आपकी तरफ खींचा चला आता है। इसके साथ ही आकर्षण की शक्ति या फिर अट्रैक्शन की पावर एकदम से बढ़ने लगती है। तो चलिए अब मैं आपको वह मिस्टेक बताती हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप यह टेक्निक कर रहे हैं उस वक्त आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरा काम हो जाएगा या मेरी विश पूरी हो रही है। मेरे कहने का यह मतलब है कि आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। जैसे कि मुझे टेक्निक करते हुए 3 दिन हो गए हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने अट्रैक्शन पावर पर इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, चाहो तो आप उस टेक्निक को भी कर सकते हैं। वह टेक्निक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रुको, कहीं जाना नहीं, पर अगर आप यह चाहते हैं कि आपको कुछ करना भी ना पड़े पर आपकी अट्रैक्शन पावर एकदम इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए आपको थर्ड आई अट्रैक्शन प्रेयर करवानी होगी जो पूरे 21 दिन चलती है। मैंने भी बहुत से लोगों के लिए इस प्रेयर को किया है। जिन लोगों के लिए भी मैंने इस थर्ड आई प्रेयर को किया है वह लोग आज बहुत खुश है, क्योंकि उनको इसका बहुत फायदा मिला है। उनकी विश पूरी हुई है, उनकी अट्रैक्शन पावर भी एकदम बढ़ गई है। जो इंसान पहले उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था वह इंसान भी आज उनके आगे पीछे घूमता है। हो सके तो इस वीडियो को बिना स्किप किए 2-3 बार पूरा देख लेना। ऐसा होने पर आपको यह टेक्निक अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thanks for watching video.